एवरीवन, वेलकम टू यमी स्पाइसेस। आज हम बनाएंगे इडली और इसके साथ बनाएंगे हम दो तरह की चटनी। अगर मेरी रेसिपी आप सबको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मेरे चैनल को इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। इडली बनाने के लिए मैं ली हूँ 2 कप उड़द दाल, जिसे मैं 4 घंटा भिगोने के लिए छोड़ दी थी। 2 कप उड़द दाल के लिए मैं ली हूँ 4 कप इडली रवा। अब हम दाल को ग्राइंडर में डाल के पीस लेंगे। अब ये उड़द दाल अच्छी तरह पीस गई है, इसे हम एक बड़े से बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। इडली रवा को भी हम 2-3 बार साफ पानी से धो लेंगे। इस तरह 2-3 बार साफ पानी से हम रवा को धो लेंगे। इस रवा को हम अब ये पीसी हुई दाल के साथ मिला लेंगे। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल के अच्छी तरह मिला लेंगे। अब ये बैटर तैयार है, इसे हम 2-3 घंटा रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद इससे इडली बनाएंगे। जब तक इडली का बैटर रेस्ट कर रही है, आइए हम 2 तरह की चटनी बना लेते हैं। पहला चटनी हम बेसन और टमाटर के बनाएंगे। इस चटनी के लिए मैं 5 मीडियम साइज के टमाटर ली हूँ, उसे मैं पीस के प्योरी बना लूँगी। अब एक कढ़ाई लेते हैं, इसमें करीब 2 चम्मच तेल हम डाल देंगे। इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच राई और 1 चम्मच उड़द दाल। इसके बाद कुटी हुई अदरक, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता डाल देंगे। 1 मीडियम साइज का प्याज को काट के डाल देंगे। प्याज अच्छी तरह भुन गई, अब हम इसमें ये टमाटर के प्योरे डाल देंगे। टमाटर के प्योरे को भी अच्छी तरह भूनने देंगे। इसमें स्वाद अनुसार नमक और 1/2 चम्मच हल्दी डाल के इसे अच्छी तरह भुनने के लिए छोड़ देंगे। अब टमाटर अच्छी तरह भुन गई है, इसमें हम करीब 3 ग्लास गर्म पानी डाल देंगे। इसे एक उबाल आने तक ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम बेसन को लेंगे, 3 चम्मच बेसन में थोड़ा सा पानी मिला के इसका एक लम्स फ्री बैटर बना लेंगे। अब हमारी इस तरह बेसन का बैटर बन गया, इसमें भी उबाल आ गई है। अब इस बैटर को हम धीरे धीरे इसे चलाते हुए डाल दें। बेसन का घोल डालने के बाद इसे 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे उबलने के लिए। फिर इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच करी पाउडर और 1/2 चम्मच ये मैगी मसाला। इसे मिला के थोड़ी देर के लिए इसे इसी तरह उबलने देंगे। अब हमारी टमाटर बेसन की चटनी तैयार है। आखिर में हम इसमें हरा धनिया डालेंगे। अभी तैयार है। अब हम नारियल और पीनट की चटनी भी बना लेंगे। इसके लिए मैं ली हूँ थोड़े से कद्दूकस किए हुए नारियल। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा काजू, 1 हरी मिर्च, 1 पिंच जीरा और थोड़े से भुने हुए पीनट। पीनट को हम तेल में भून लिए हैं, इसे डाल के अच्छी तरह इसे पीस लेंगे। अब हम नारियल चटनी में तड़का डाल देंगे। इसके लिए हम लेंगे 1 चम्मच तेल, इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच राई और 1/2 चम्मच जीरा।
एक पिंच हींग, दो साबुत लाल मिर्च और थोड़ा सा कड़ी पत्ता। इस तड़के को हम नारियल की चटनी में डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक भी डाल देंगे। अपनी नारियल की चटनी भी तैयार है। अब हमारी इडली बैटर को 3 घंटा हो चुकी है, इसे हम अच्छी तरह फेंट लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, इस तरह होनी चाहिए। और इडली का स्टैंड लेंगे, इसमें थोड़ा इस स्टैंड को थोड़ा सा तेल में ग्रीसिंग कर लेंगे। इसके बाद इस तरह थोड़ा थोड़ा बैटर हम इस कटोरियों में डालेंगे। अब हम इस तरह स्टैंड को इस भगोने में डाल के स्टीम होने के लिए छोड़ देंगे। और इस भगोने में हम थोड़ा सा पानी भी डालें। इस तरह 15 मिनट तक इसे स्टीम होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम चेक कर लेते हैं इडली बनी है कि नहीं। नाइफ की सहायता से इडली को चेक कर लेंगे। देखिए, इससे थोड़ी सी भी बैटर नहीं लगी है, हमारी इडली बन गई है। चम्मच की सहायता से इस तरह हम सारी इडलियों को निकाल लेंगे। दो तरह की चटनियों के साथ हमारी इडली तैयार है खाने के लिए। आप देख सकते हो हमारी इडली कितनी सॉफ्ट बनी है। आप भी इसी तरह बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी।